हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होगे। भगवान से प्रार्थना करो सदा कुशल मंगल है। और नए व्लॉग में आपका स्वागत है चंद्रशेखर 315 चैनल के माध्यम से। तो गाइज, आज मैं बड़ौदा आया हूँ शेखर की डेयरी पर, जो कि शेखर मोगा है, उनकी जो एक छोटी सी डेयरी है उस पर आया हूँ। आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ पशु उसमें कैसे कैसे रख रखे हैं और क्या ट्रिक यूज करता है कि कमी मेहनत लगती है और काम हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये टूंटी का पाइप है। अगल अगल पशुओं को किसी भी बाल्टी पानी रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। इन्हीं खोरों में इन पाइप को खोल दिया जाता है पानी का। उसके बाद क्या होता है, इसमें पानी चला जाता है और पशु पी लेता है। ये क्या डालना हूँ, सोयाबीन की चूरी मैंने पानी के साथ ही डाल दिया, जिससे पशु काफ़ी अच्छे से सोयाबीन भी खा लेगा और पानी भी पी लेगा। और ये गाय पुराली है जो खोर में पड़ी हुई है, ये सस्ती पड़ती है पुराली भूस से भी, और ये गर्म होती है, पशु दूध ज़्यादा देते हैं, लागत कम आती है, दूध उत्पादन ज़्यादा होता है। और ये गाय इसमें चोकर है, तो गाय कुछ पशुओं को चने की चूरी भी डाली जा रही है। ऐसे ही खोर में पानी में मिला दिया जाता है, जिससे पशु उसे पी लेता है पानी को भी और चोकर भी पी लेता है। यह आप देख रहे हैं छोटे लुहारे बंधे हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी सुंदर है आप देख रहे हो। तो ये डर गई है भाई, आप देख सकते हैं मेरे से डर गई थोड़ा। ये भैंस है, काफ़ी अच्छी नस्ल की भैंस है और गाय भी बंधी हुई है, देख सकते हो। काफ़ी केयर भाई से करते हैं। अब देखिए किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से ये रत्तक को खा रही है। और सन्नी की भी करने की यही विधि है कि इन खोरों में पानी छोड़ दिया जाता है और ऊपर से भूस या पुराली जो भी आपको डालनी है वो डाल देते हैं और रत्तक डाल देते हैं। हाथ निकालने की जरूरत नहीं होती कि हाथ निकालना ही है आपको, तो आपको थकावट नहीं बनेगी। आप 20-30 डंगर भी रख सकते हैं और उसमें दिक्कत नहीं होगी, जब आपको सन्नी को हाथ ही नहीं निकालना है। इससे आपको बहुत ही आराम और अधिक पशु को रख पाएगा आप। इस तरह ये देखिए, आप इन्होंने चने की चूड़ी पानी खोल कर कैसे फेंक दिया डांगरों के आगे खोर में। अब ये पशु इसको खाएंगे और जो रत्तब है इसको भी खा लेगा और पानी भी पी लेगा। और जो थोड़ा बहुत इनके आगे पशुओं के आगे नियार पड़ा है, ये इसको भी सपचट कर जाएगा। भाइयों ये आप देख सकते हैं सभी पशु लग चुके हैं खोर में। आपको मैं बियर का चोकर दिखा देता हूँ, जो ड्रामों में घाल कर रखा है। ये बियर का चोकर है, ये सस्ता भी आता है और इससे पशु दूध ज़्यादा देता है। और ये आपको मैं दिखा दूँ, शेखर जी के पिताजी है और ये शेखर मोगा है, जो ये डेयरी काफ़ी अच्छी तरीके से चला रहे हैं। इन्हें भी कहीं जाना है जल्दी है, थोड़ी जल्दी मुझे भी है। दोस्तों ट्रिक मैंने आपको कितनी अच्छी बताई कि खोर में ही सिस्टम कर दिया पानी पियाने का भी, बाल्टी अगल अगल पशु नहीं देनी। दूसरा क्या कर दिया, उसमें घुस डाल लो, उसमें रत्तब और सन्नी होगी खाली। ये देख लो, इसके पास ये जो गाय भी है काफ़ी अच्छी जड़ लिगड़ी हुई है, काफ़ी अच्छी लागत की पशु भी भाई शेखर के पास बंधे हुए हैं दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग वीडियो समाप्त करता हूँ। नए व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात करूँगा दोस्तों। जब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद दोस्तों।